नमस्कार, नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक सलाद की रेसिपी लेकर आई हूँ। कट सलाद दही से बनाऊँगी। इसको बनाने के लिए मैंने सब्जियों को लिया है, थोड़ी थोड़ी गाजर ली है, प्याज, टमाटर, खीरा ककड़ी, हरी मिर्ची और हरा धनिया, आधा कप दही, काली मिर्ची पाउडर, सादा नमक और काला नमक। सबसे पहले मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से धो कर के और उन्हें बारीक काट लिया है। आधा खीरा है, एक टमाटर है, आधी प्याज और एक छोटी गाजर, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, खीरा ककड़ी और गाजर को डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद में अब इसमें हम सादा नमक, काला नमक और काली मिर्ची को डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें फेटे हुए दही को ऐड करेंगे। दही हमें ताज़ा ही लेना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कट सलाद बन करके तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। कट सलाद को मैंने सर्व कर लिया है, ये बन करके तैयार है और हरे धनिया से गार्निश किया है। ये सलाद झटपट बन करके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।